सो गाइज, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो MIUI का लॉन्चर आता है वो बहुत ही दिखने में बहुत ही बोरिंग टाइप का है, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग वाली फीलिंग नहीं आती उसको देख के, ऐसा नहीं लगता कि दूर से देखने में बहुत अच्छी चीज़। तभी हम लोग दूसरे लॉन्चर्स को इंस्टॉल करते हैं बिकॉज उसमें बहुत सारे फंक्शन देखने को मिलते हैं जो कि हमें MIUI लॉन्चर में देखने को नहीं मिलते हैं। सो गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए बिकॉज इस वीडियो के एंड तक हम अपनी जादू शक्तियाँ वगैरह लगा लोगों के MIUI लॉन्चर को एकदम ऐसे धांसू लोग कैसे मसालेदार बनाने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बज रहे हैं दिन के 3 एंड यहाँ पर चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच एंड मैं मैच छोड़ के आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है यार। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। एंड इंडिया तो जीतने ही वाली है। तो लाइक है क्या? काम करने दे। सो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके अपने थॉट्स बताइए। सो गाइस, दिस इज VJ एंड बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले आपको एक ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से जिसका नाम है पोको लॉन्चर एंड दिखने में कुछ इस तरह का दिखता है वो प्राणी। एंड अगर आपको पोको लॉन्चर प्ले स्टोर में नहीं मिल रहा तो मैं नीचे लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो आप नीचे लिंक से या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एंड डाउनलोड करने के बाद उसे नॉर्मली इंस्टॉल करना है। एंड इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पर ओपन करते हैं एंड कस्टमाइज करते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या यहाँ पर नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। A few moments later. And open करने के बाद यहाँ पर कुछ पोको का आपको यहाँ पर लोगो बनाएगा एंड यहाँ पर सेलेक्ट आएगा कि वॉलपेपर कौन सा सेलेक्ट करना है। रिकमेंडेड वाले मैं क्लिक कर दूंगा एंड अप्लाई कर दूंगा एंड यहाँ पर ये कुछ परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ करनी है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी होम स्क्रीन यहाँ पर चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लेगा बट यहाँ पर हो चुका है। एंड यहाँ पर डिफॉल्ट लॉन्चर बनाने के लिए बोल रहा है तो आप ओके प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर रिमेंबर माई चॉइस में क्लिक करके पोको लॉन्चर पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि ये आपका जो लॉन्चर है वो डिफॉल्ट लॉन्चर बन जाएगा, आपको बार बार यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ आप देख सकते हैं यहां पर आपका लुक जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है एंड आप यहां पर इवन स्वाइप अप करके यहां पर ऐप ड्रॉअर में जा सकते हैं। सो नाउ यहां पर देख लेते हैं हमें क्या क्या नए फीचर देखने को मिलते हैं इस पोको F2 लॉन्चर में। सो सबसे पहले हम जाते हैं यहां पर सेटिंग्स में एंड यहाँ पर आते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट का वही फंक्शन मिल जाता है जो हमें नॉर्मल MIUI में मिलता है। यहाँ पर मोर का ऑप्शन मिल जाता है, मोर में जाते हैं यहाँ पर कुछ हमें इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। शायद आपको यहाँ पर फर्स्ट में सिस्टम सेटिंग्स देखने को मिलता है एंड बैकग्राउंड में आपको जो है यहाँ पर कुछ अलग फीचर्स देखने को मिलता है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 तरह की यहाँ थीम मिलती है, लाइट, डार्क एंड सिस्टम। सो यहाँ पर सिस्टम पहले से डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। अगर हम यहाँ पर डार्क सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो आपको ऐप ड्रॉअर का बैकग्राउंड है वो डार्क हो जाता है एंड यहाँ पर से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं कि पीछे का वॉलपेपर दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। सो इसे मैं 75 पे कर देता हूँ एंड अप्लाई कर देते हैं। एंड अप्लाई करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर जाएंगे देख सकते हैं आपका जो बैकग्राउंड पहले वाइट था वो चेंज होकर अब ट्रांसपेरेंट हो गया है एंड डार्क में हो गया एंड दिखने में यही बेसिकली अच्छा लगता है, वाइट वाला मुझे तो पसंद नहीं है। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर मिलता है ऑप्शन आइकन पैक का। सो यहाँ पर आइकन पैक आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है डिफॉल्ट आइकन पैक जो हमारे सिस्टम में है वो यहाँ पर अप्लाई हो रखे हैं एंड यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आप डिफरेंट आइकन पैक भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो उसके करने के लिए आपको यहाँ पर एड मोर में क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको मोर ऑप्शन मिल जाएगा, या तो आप MI स्टोर से या प्ले स्टोर से दूसरे आइकन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने पिक्सल पाई के आइकन को डाउनलोड किया जो कि कुछ 80 MB का है। सो इसे हम जल्दी से यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे अप्लाई करूँगा तो ये आइकन चेंज होकर कुछ ऐसे हो जाएंगे जो कि एक और अट्रैक्टिव लुक देंगे आपके जो लॉन्चर है उसको। एंड देख सकते हैं आप यहाँ पर आइकन जो है चेंज हो चुके हैं। सो ना आप जो ये लॉन्चर है दिखने में काफ़ी कलरफुल लग रहा है एंड उसके नीचे ही आपको यहाँ पर कस्टमाइज लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि आपका आइकन साइज़ वगैरह बड़ा कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इवन यहाँ पर आप लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने आइकन आपको चाहिए पेज पर। एंड अभी हम आते हैं यहाँ पर ऐप ड्रॉअर की तरफ। सो ऐप ड्रॉअर में यहाँ पर ऐप सजेशन का आपको ऑप्शन मिलता है, एकदम ग्रुप्स ऐप ऑटोमेटिकली, मतलब यहाँ पर ग्रुप ऐप ऑटोमेटिकली का मतलब क्या है कि मतलब आप ऐप ड्रॉअर में जाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑल में तो सारे दिख रहे हैं बट अब यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टली स्वाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन में जो जो भी ऐप्स हैं वो आपको दिख रहे हैं, एंटरटेनमेंट में जो ऐप्स हैं वो दिख रहे हैं। सो यहाँ पर आप स्वाइप करते जाएंगे तो आपको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग ऐप्स देखने को मिलेंगे, जिससे आपको एक ईजी आइडिया मिल जाएगा कि आपका ऐप कौन सी कैटेगरी में आता है। सो आप यहाँ पर ईजिली उसे ढूंढ पाएंगे। सो अगर आप नहीं चाहते कि वहाँ पर ग्रुप करें ऑटोमेटिकली तो आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। इवन यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पर आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब अगर आप गेम वगैरह ज़्यादा खेलते हैं तो गेम को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं यहाँ पर लाके कम्युनिकेशन इंटरनेट। सो यहाँ पर आप स्वैप कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। एंड इवन यहाँ पर हाइड का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं।
एंड यहाँ पर आपको ग्रुप आइकन्स बाई कलर का एक और इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिलता है. सो जैसे ही आप यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा. सो नाउ अब यहाँ पर ऐप ड्रॉअर में जाएंगे तो यहाँ पर आप नीचे साइड में देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं आपको. सो यहाँ पर जो आइकन जो रेड कलर के, अगर आप रेड पर क्लिक करते हैं तो रेड कलर वाले आइकन आपको यहाँ पर इस तरह के दिखाई देंगे. एंड येल्लो पर क्लिक करते हैं, जो भी येल्लो रिलेटेड आइकन है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ग्रीन, ब्लू, पर्पल. एंड इस तरीके से आप अपने ऐप्स को मतलब ईजिली ढूंढ सकते हैं. सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे पर्सनली. यहाँ पर अगर आप फेसबुक वगैरह यूज़ ढूंढना चाहते हैं तो आप नेटरीज में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं फेसबुक दिख जाएगा, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, क्योंकि उसका कलर हमारे मन में स्टोर हो जाता है. सो हम उसे ईजिली यहाँ इस फंक्शन की वजह से ढूंढ सकते हैं. एंड इवन यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बैजेस का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको सर्कल और नंबर का एक ऑप्शन मिल जाता है. सो इस फंक्शन को इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन एक्सेस मांगेगा, तो आपको पोको लॉन्चर को अलाउ करना है. एंड यहाँ पर ये अलाउ हो गया है. एंड इसके बाद आपको बैक जाना है, तो नोटिफिकेशन बैजेस में आपका नंबर सेलेक्ट हो चुका है. यहाँ पर देख सकते हैं जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आता है, कितने नोटिफिकेशन आए उस ऐप में, यहाँ पर आपको नंबर की तरह शो करेगा. जैसे कि यहाँ पर 2 आए मैसेजेस मुझे, तो यहाँ पर 2 शो कर रहा है. एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है हाइड ऐप का आइकन. सो इसके बारे में बात करते हैं, बट यहाँ पर आपको डबल टैप टू लॉक स्क्रीन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसे हम इनेबल करते हैं. एंड यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं तो यहाँ डबल टैप करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन जो है लॉक हो जाएगी, जैसे कि आप सब देख सकते हैं. सो कहीं पे भी आप डबल टैप करेंगे तो ये जो है लॉक हो जाएगी. सो जब यहाँ पर आप ऐप ड्रॉअर में आएंगे तो आप राइट साइड को 2 बार स्लाइड करेंगे, जैसे 1-2, तो यहाँ पर आपके सामने हाइड ऐप का एक मेन्यू खुल जाएगा. सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपने जो सेट पासवर्ड पहले करना है, मतलब कि आपको जो भी पासवर्ड है यहाँ पर उसे लगा लेना है. पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड ऐप्स का. सो यहाँ पर ऐड ऐप करके आप कोई सा भी यहाँ पर अपने ऐप्स जो आप हाइड करना चाहते हैं, दूसरों को ना दिखें, तो यहाँ पर आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ यहाँ पर किसी 1-2-3 ऐप को, ऐप ड्रॉअर में देखने को नहीं मिलेंगे. सो अगर आप उन ऐप्स को ओपन करना चाहते हैं तो आपको डबल राइट साइड में क्लिक करना है एंड यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना है, एंड देन आपको ये ऐप्स शो करेंगे. पर्सनल ऐप्स है लाइक मैसेजिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, आप यहाँ पर इस तरीके से हाइड कर सकते हैं ताकि वो किसी को ना दिखे. सो गाइस देखा आपने कैसे हमने एक बेजान फोन में भी बिल्कुल ऐसे जान डाल दी, मतलब बिल्कुल ऐसे क्रिश बना दिया. मस्त जोक मारा ये हंस रहे हलकट हंस. गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो. वीडियो को पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना यार, एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. सो गाइज इस वीडियो में यही पेंट करेंगे, मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट.